उन्होंने विधायक फ्लैट का जमीन कब्जा करके अपना विस्तारीकरण कर लिया, बड़ा कार्यालय कर लिया। ये बीजेपी का कार्यालय बड़ा जगह, और आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसका 15 वर्षों से यहाँ शासन है, आज सबसे बड़े दल के रूप में हम हैं। सबसे ज़्यादा बिहार की जनता आरजेडी कार्यालय पहुँचती है सुंदर में, आप उनके साथ नाइंसाफी करें। जनता का आशीर्वाद से राजनीतिक जमीन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को इतना बड़ा मिला है, ये सौभाग्य तो जेडीयू को नहीं ना है। तो वो ये बकवास करेंगे, टेटरलॉजी करेंगे, जवाब सही जवाब देंगे नहीं। पूछिएगा कि आपके विधायक ट्रेन पर क्यों नंगा नाच कर रहे थे, उसका जवाब नहीं दिखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद लगातार पार्टी कार्यालय के विस्तार के लिए मांग कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी ने पत्र भी लिखा है। कल हमने जब सीएम से बात किया तो सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी कार्यालय के लिए विस्तार के लिए जमीन हम कहाँ से लाएं, आकाश से लाएं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी के लिए जमीन आकाश से लाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अनुभवी राजनेता हैं, 16-17 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, केंद्र में मंत्री रहे, उनके द्वारा इस तरह का जवाब देना इस बात को दर्शाता है कि उनके स्तर पर भी सत्ता का अहंकार, जैसे उनके विधायक के स्तर पर चढ़ रहा था जो तेजस में नंगा नाच कर रहे थे राजधानी एक्सप्रेस में, तो ये दिख रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस विद्वेषपूर्ण भावना से राजनीति करते हैं। आप बताइए, इस वीरचंद पटेल पद पर 3 प्रमुख पार्टियों का कार्यालय है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। 3 नंबर की पार्टी जेडीयू है, उन्होंने विधायक फ्लैट का जमीन कब्जा करके अपना विस्तारीकरण कर लिया, बड़ा कार्यालय कर लिया। ये बीजेपी का कार्यालय बड़ा जगह, और आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसका 15 वर्षों से यहाँ शासन है, आज सबसे बड़े दल के रूप में हम हैं। सबसे ज़्यादा बिहार की जनता आरजेडी कार्यालय पहुँचती है सुंदर में, आप उनके साथ नाइंसाफी करेंगे? आप जगह छोटा हमें देंगे, जनता को परेशानी होता है, आप लोगों भी पत्रकार सम्मेलन होता है उसमें दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने नियम पूर्वक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू जी ने पत्र लिखा, और जो सरकार की तरफ से जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये बात को दर्शाता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और आप जिस नियम और कानून, जिस आकाश पाताल से जमीन लाकर जेडीयू का कार्यालय बड़ा किए हैं, उसी नियम कानून आकाश पाताल से ला करके आपको आरजेडी को भी जगह देना पड़ेगा। इसलिए आप ये नियम और कानून ना सिखाएं, सीधा सीधा जवाब दें, आखिर आरजेडी के साथ ये नाइंसाफी आप क्यों कर रहे हैं? ये जनता के द्वारा चुनी गई सबसे बड़ी पार्टी, जनता यहाँ फरियाद लेकर पहुँचती है, जनता को परेशानी होता है, इसलिए पार्टी ने कहा कि हमें जगह दीजिए। जिस तरह से दोनों पार्टियों को दिया गया है, ये कहने से बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक दिन आपको भी सत्ता से हटना होगा, और जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम भी वही बदले की भावना से काम करें, ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं। मृत्युंजय जी, जदयू का कहना है कि लालू जी के पास अथाह संपत्ति है, उनके पास बहुत जमीन है, वो चाहे तो विस्तार कर सकते, उससे ज़्यादा वो कह भी नहीं पाएंगे। जेडीयू की तो लोगों ने देख लिया ना, जेडीयू का असली चेहरा जो राजधानी तेजस एक्सप्रेस में जिनके विधायक नंगा नाच कर रहे हैं, वो किस मुंह से बोल रही है? 3 नंबर की पार्टी, जनता ने दिलों में जगह दिया नहीं, ये विधायक का जमीन फ्लैट कब्जा करके अपना जेडीयू कार्यालय चाहे लाख बड़ा कर ले, तो जनता ने दिलों में जगह तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी को दी है, वो जगह तो आप नहीं छीन सकते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जमीन जो है जनता तैयार करती है राजनीतिक दलों की नेताओं की, वो जनता का आशीर्वाद से राजनीतिक जमीन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को इतना बड़ा मिला है, ये सौभाग्य तो जेडीयू को नहीं ना है। तो वो ये बकवास करेंगे, टेटरलॉजी करेंगे, जवाब सही जवाब देंगे नहीं। पूछिएगा कि आपके विधायक ट्रेन पर क्यों नंगा नाच कर रहे थे, उसका जवाब नहीं दिखेगा। तो ये सब बकवास इन्होंने पूरा भरपेट चुनाव में भी किया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। असली सवाल पर जवाब देना पड़ेगा, ये सब जो है बेशर्म बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। अपने विधायक को तो नंगा नाच
करने से पहले उनका आचरण ठीक कीजिए, क्या कर रहा है लोग देख रहा है। अब आरजेडी मांग रही है सबसे बड़े दल के रूप में हमें जगह दीजिए, तो आप उल्टा पुल्टा इधर का बात उधर कर रहे हैं, ये सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे क्या करेंगे आप लोग आगे? हमको जगह देना पड़ेगा, दोहरा मापदंड सरकार का नहीं चलेगा। सरकार नियम कानून के तहत हमने मांग की है, सरकार को जगह देनी पड़ेगी, आकाश से ला या पाताल से। जिस नियम और कानून के तहत जेडीयू ने अपना कार्यालय बड़ा कर लिया, विधायक फ्लैट कब्जा करके, हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हम तो तर्क दे रहे हैं, हम तो नियम कानून के तहत मांग, लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं चलने देंगे, सरकार को देना पड़ेगा। ये थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, आकाश से लाए या पाताल से लाए, जमीन इनको देना ही पड़ेगा। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।